चैप्टर 16 के पहले हिस्से में हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और उसकी कुछ अहम क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और फेज। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम एसी करंट या वोल्टेज को वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने फैराडेज लॉ पढ़ा और उसकी एक एप्लीकेशन थी जनरेटर, जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कराते हैं। एक कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के रोटेट कराते हैं, इसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके इसको रोटेट कराते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, तो इसके दोनों एंड्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है जो कि बराबर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट होती है और ये साइन ओमेगा टी का फंक्शन होता है। साइन का मतलब है परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स हम लेते हैं, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स लेते हैं। जब ये दोनों आपस में बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है, और जैसे जैसे इनका आपस में एंगल चेंज होता है हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती है, और ये एक साइन वेव फंक्शन बनाती है जो कि हर टाइम पीरियड टी के बाद खुद को रिपीट करता है, क्योंकि हम इस कॉइल को रोटेट करा रहे हैं एक सर्कल में। हर टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड टी में एक सर्कल कंप्लीट करता है ये कॉइल, तो हमारे पास एक साइन वेव आती है जिसका टाइम पीरियड टी होता है। टाइम पीरियड इन्वर्सली के फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf के। ये सब कुछ हम बुक 1 में पढ़ चुके हैं, इन सब का आपस में रिलेशनशिप। इसको ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज की मदद से मैं करंट जनरेट करा सकती हूँ, किसी चीज़ को करंट प्रोवाइड कर सकती हूँ। यहाँ पे एक लोड कनेक्ट करूँ जिसकी रेजिस्टेंस R हो, तो उसमें से फिर करंट फ्लो करेगा क्योंकि सर्किट क्लोज हो जाएगा। वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास करंट आ जाएगा, इसको मैं ऑल्टरनेटिंग करंट कहती हूँ, और ये भी एक साइन वेव फंक्शन होगा। क्योंकि ये हर टाइम आधे टाइम पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ऑल्टरनेट करता है, इसलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसके बरअक्स हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है जो कि एक ही डायरेक्शन में रहता है, एक कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ। The direction of an AC current keeps on changing, keeps reversing, cannot be found, is in one direction only. AC current को alternating current इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी direction alternate करती है, कभी positive होती है कभी negative होती है। तो cannot be found गलत है, is in one direction only गलत है। इन दोनों में से keeps on changing या keeps reversing, keeps on changing का मतलब है कि एक से ज़्यादा directions वो change कर सकता है, keeps reversing का मतलब है कि दो directions हैं। रिवर्स क्योंकि का मतलब होता है कि एक के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना, उसको हम रिवर्स कहते हैं। तो कीप्स रिवर्सिंग ज़्यादा सही है बजाय इसके कि हम कीप्स ऑन चेंजिंग कहें, जिसका मतलब होगा कि कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि एसी करंट की सिर्फ दो डायरेक्शन होती हैं या दो पोलैरिटीज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वॉट डज हैपन टू एन इलेक्ट्रॉन एंड अ कंडक्टर इफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू इट? ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? इट रिमेन्स एट रेस्ट, एट्रेस नहीं रह सकता, क्योंकि करंट एसी हो या डीसी, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एट्रेस नहीं रह सकता। इट ऑसिलेट्स अबाउट इट मेन पोजिशन, ये ठीक है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में पहले ये पॉजिटिव होगा एंड ये नेगेटिव होगा, फिर ऑल्टरनेट करेगा हाफ साइकिल के बाद, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फर्स्ट करेंगे फ्लो करता है, तो जब पहली वाली प्रायोरिटी होगी वो इधर मूव करेगा, लेकिन फिर पोलैरिटी शिफ्ट हो जाएगी, वो इस पोजीशन से वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर पोलैरिटी शिफ्ट होगी, फिर वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन की एक रिदमिक मोशन हो जाएगी, एक पीरियोडिक मोशन हो जाएगी एक मीन पोजीशन के अबाउट, वो पहले इधर होगा फिर इधर होगा फिर इधर होगा फिर इधर होगा फिर इधर होगा, तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी ठीक है। इट मूव्स अलॉन्ग द कंडक्टर या इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, परपेंडिकुलर तो वो मूव नहीं करता, अलॉन्ग द कंडक्टर हम कहते हैं, लेकिन वो डीसी करंट के केस में वो अलॉन्ग द कंडक्टर मूव करता जाता है। और अगर हम एक छोटे से इंस्टेंट में देखें जिसमें वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो हाँ वो मूव, इट मूव्स अलॉन्ग द कंडक्टर, मगर चूंकि वो हमें ये पता है कि वो ऑसिलेट कर रहा होता है, उसकी ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी मूवमेंट एक ऑसिलेटरी मूवमेंट बन जाती है, इसलिए ऑप्शन बी ज़्यादा मुनासिब है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू एसी करंट की क्या होती है? अगर हमारे पास एसी करंट या एसी वोल्टेज है, इस ग्राफ में एसी वोल्टेज दिखाई गई है, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी कि अगर मैं एक खास इंस्टेंट के ऊपर इस फॉर्मूले में टी पुट करूं, टाइम पुट करूं, तो उस इंस्टेंट पे जो मुझे इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, या इस ग्राफ का कोई एक पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे मैं वैल्यू लेना चाहती हूं
उस इंस्टेंट पे ये ग्राफ क्या है, थीटा वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है, तो थीटा पुट करूंगी, थीटा क्या है, ओमेगा टी, ओमेगा तो एक कांस्टेंट है, तो फिर मैं टी पुट करूंगी और मुझे उस टी के ऊपर या उस थीटा के ऊपर मुझे जो वैल्यू मिल जाएगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। पीक वैल्यू इस ग्राफ की हाईएस्ट वैल्यू है पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव साइकिल में भी। पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर होती है, मगर साइंस में ऑपोजिट होती है। मगर पीक वैल्यू हम उसको कहते हैं कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम किस वैल्यू तक जाती है। इस केस में पीक वैल्यू वी नॉट है। NAC वोल्टेज मेजर्स वी नॉट इन अ सर्किट, इट्स पीक वैल्यू इज वी नॉट ओवर अंडर रूट टू, अंडर रूट टू ओवर वी नॉट, अंडर रूट टू। सिर्फ अंडर रूट टू या अंडर रूट टू ओवर वी नॉट तो कुछ होता नहीं है, हमें यह पता है कि वी नॉट ओवर अंडर रूट टू की RMS वैल्यू होती है और वी नॉट वैल्यू पीक वैल्यू होती है, और हमें इसलिए ए ऑप्शन ठीक है। और वैसे भी अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, वी नॉट है और एक वी नॉट ओवर टू है, तो पीक वैल्यू ज्यादा वाली वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि RMS पीक से कम होती है, इसलिए हम ए ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं। A sinusoidal AC has maximum value at 15.8, ये V naught है. What is its RMS value? V RMS होती है V naught 0.7 times, यानी V naught का 70%, 15 का 70% निकालना है। इन चारों ऑप्शंस को देखें, 15.5 तो नहीं हो सकता, वो तो 15 से ज्यादा है, उसका 70% निकालना है। 15 का 50% क्या होता है, इसका हाफ 7.5, और इसका 10%, किसी भी नंबर का 10% करने के लिए उसको डेसिमल लगा दें 1.5, इसका 10% है 1.5। अब हमने 70% निकालना है, तो 50% में 10% दो दफा ऐड कर दें, 50, 60, 70, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाएगा, 3 ऐड कर दें 7.5 में, हमारे पास आ जाएगा 70%, जो कि है 10.5। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू का मतलब है कि पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के दरमियान टोटल कितना एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू, और ये 2 टाइम्स पीक वैल्यू के बराबर होती है। यानी इस केस में अगर हम पीक टू पीक निकालना चाहते हैं, तो पॉजिटिव पीक माइनस नेगेटिव की वैल्यू वी नॉट, तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स वी नॉट, क्योंकि हम इसका नेट टोटल एम्पलीट्यूड डिफरेंस पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के दरमियान देखना चाहते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या RMS वैल्यू एक तरह का एवरेज होता है, मगर एवरेज नहीं होता। असल में ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज एक साइन वेव की फॉर्म में होता है, ये एक सिमेट्रिकल फंक्शन है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो अगर मैं इसका एवरेज लूंगी तो जीरो आ जाएगा, जैसे मैं -5 से लेके +5 तक नंबर्स का एवरेज लूँ तो वो जीरो होगा, मगर मैं एवरेज वैल्यू लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं हर वक्त इंस्टेंटेनियस या पीक वैल्यूज कैलकुलेट करके नहीं बताना चाहती, तो मैं एक ऐसी वैल्यू लेना चाहती हूँ जो मुझे एवरेज का काम दे, तो उसके लिए हम RMS वैल्यू लेते हैं। इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, हम उसकी पीक वैल्यूज को, हम इसकी कैलकुलेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है उसमें नहीं जाते, मगर हम वैल्यूज को स्क्वायर करते हैं, फिर उन स्क्वायर्ड वैल्यूज का मीन लेते हैं और फिर उसका अंडर रूट लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है RMS वैल्यू, और वो बराबर होती है, उसको हम VRMS कहते हैं। VRMS बराबर होती है V naught डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 के, ये बराबर होती है 0.7 V naught। इसी तरह करंट की RMS वैल्यू होती है I naught डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, 0.7 टाइम्स I naught। यानी अगर हम इस साइन फंक्शन में देखें तो थीटा जब 45 होता है 0 और 90 के दरमियान पाई बाय 4, तो मेरी साइन 45 क्या होता है, 0.707। तो इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम पे जाने से बिल्कुल हाफ वे में हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं, तो ये एक तरह से मुझे एवरेज दे रहा है साइन का, इसको हम RMS वैल्यू लेते हैं। साइन 45 पे जो भी वैल्यू है, वी नॉट साइन 45 इज द वी RMS, इसी तरह करंट के लिए भी। RMS value of a sinusoidal AC current is equal to its value at an angle of dash degrees. Sinusoidal AC current एक साइन फंक्शन की शक्ल में होता है। X axis के ऊपर थीटा है, जो ओमेगा टी के बराबर है। फंक्शन क्या है? Y axis के ऊपर I है करंट। I times function of थीटा हम इसको कह सकते हैं। I naught sine of थीटा।
थीटा की जगह आप ओमेगा टी भी पुट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की कब होती है? जब ये 90 डिग्री पे हो या 270 के ऊपर हो। हम पॉजिटिव पीक की बात करते हैं, 90 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आई नॉट। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू का हाफ लेना चाहते हैं, यानी 90 का हाफ क्या होता है 45 डिग्री के ऊपर हम इस फंक्शन की वैल्यू लेना चाहते हैं, हम कहते हैं कि वो उसकी एक तरह की एवरेज वैल्यू होगी। जिस तरह अगर आपने 0 से 10 तक नंबर्स का एवरेज लेना हो तो आप 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, इसकी हाफ वाली वैल्यू लेते हैं तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाती है। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू अगर थीटा 90 पुट करूं तो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन 91 होता है, आई ऑफ थीटा आई नॉट के बराबर हो जाता है। अब मैं 90 की जगह इसमें 45 पुट करती हूँ, आई ऑफ एट 45 डिग्री क्या है? आई नॉट साइन 45। साइन 45 बराबर होता है 0.707 और ये बराबर होता है दरअसल आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, जो उसकी हम RMS वैल्यू दूसरे तरीके से निकालते हैं जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू को स्क्वायर मीन और अंडर रूट लेते हैं। तो दरअसल ये RMS वैल्यू इस फंक्शन की ग्राफिकली अगर हम देखें तो इस ग्राफ की वैल्यू एंगल 45 के ऊपर जो होती है वो उसकी RMS वैल्यू होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। फेज ऑफ एसी क्या होता है? जो हमारा एसी फंक्शन होता है वोल्टेज या करंट के लिए, उसका जो एंगल होता है उसको हम फेज कहते हैं, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इन दोनों का सम जो हमारी एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम कहते हैं फेज ऑफ एसी। फेज लैग एंड फेज लीड, अगर मेरे पास दो फंक्शन हो, एक वी टी जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है और एक और वी वन टी फंक्शन हो, किसी और कलर से ड्रॉ करते हैं, वी वन टी फंक्शन हो जो कि बिल्कुल वी टी जितना हो मगर सिर्फ उसके फेज के अंदर पाई बाई टू का फेज शिफ्ट है, वो पाई बाई टू आगे है या नेगेटिव फेज शिफ्ट भी हो सकता है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का होगा, ग्राफ की शेप बिल्कुल वैसी ही होगी मगर वो लीड कर रहा होगा, वो पहले आ रहा होगा। यानी अगर हम जीरो पे देखें तो वी बाद में पीक पे जा रहा है और वी वन ऑलरेडी पीक पे है, ये उससे पहले जा रहा है, इसको हम कहते हैं फेज लीड। और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, यानी इधर होता, या ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है इसका फेज, तो फिर हम कहते हैं कि ये फेज लैग है क्योंकि ये पीछे आ रहा है। वी टी जो येलो है वो अब जीरो पे है, ये जीरो पे बाद में जाएगा, ये अभी इधर है, तो फिर इसको हम कहते हैं ये अभी पीछे है, फेज लीड। हम एसी वोल्टेज या एसी करंट को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये बराबर होते हैं साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी के। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? वेक्टर के लिए मुझे एक मैग्नीट्यूड चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड के तौर पे मैं इनकी वी आर एम एस या आई आर एम एस वैल्यू यूज करती हूँ। तो मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगी जिसका लेंथ वी आर एम एस या आई आर एम एस होगी। आर एम एस वैल्यू क्यों लेती हूँ? क्योंकि उसकी एवरेज वैल्यू होती है। इसके बजाय अगर मैं पीक वैल्यू लूँ, वी नॉट लूँ या आई नॉट लूँ, तो वो मुझे सही पिक्चर नहीं देगी। वी आर एम एस से मुझे ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाता है। और फिर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? चूंकि साइन फंक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा होता है तो इसकी डायरेक्शन भी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होती है। तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज और इसकी रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है। यानी जो इस क्वांटिटी का फेज था, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी, वही मेरे उसी एंगुलर वेलोसिटी से मेरा वेक्टर रोटेट कर रहा है। इसका ये फायदा है कि अगर दो एसी करंट्स या एसी करंट या वोल्टेज, हम दो एसी वोल्टेजेस लेते हैं, के बीच में अगर 90 डिग्री का फेज लीड है तो मैं इनको ऐसे ड्रॉ करूंगी, तो मुझे इनको देख के पता चल जाएगा कि इनके बीच में V2 लीड कर रहा है बाय 90 डिग्रीज और V1 लैग कर रहा है।